कि रंगा बिल्ला को कितना भी उछलना है उछल ले, हम लोग भी एक ऊंच पीछे हटने वाले नहीं, इस बात का संकल्प किया जाए। अमित शाह, हम तुम्हारे साथ केवल एनआरसी और सीए पर नहीं, जस्टिस लोया का खून कुछ किया इस मुद्दे पर भी डिबेट करने को तैयार है। 2002 के दंगे किसने करवाए और फर्जी मुठभेड़ किसके इशारों पर हो रहे थे, उस मुद्दे पर भी डिबेट करने को तैयार है। अमित शाह ने कहा है एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं, हम लोग भी तय करें कि रंगा बिल्ला को कितना भी उछलना है उछल ले, हम लोग भी एक इंच पीछे हटने वाले नहीं, इस बात का संकल्प किया जाए। मीडिया में उन्होंने चैलेंज दिया है कि हमारे साथ कोई डिबेट करे, एनआरसी पे डिबेट करे, सीए पर डिबेट करे। अमित शाह, हम तुम्हारे साथ केवल एनआरसी और सीए पर नहीं, जस्टिस लोया का खून कुछ किया इस मुद्दे पर भी डिबेट करने को तैयार है। बलात्कार करने के बाद एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देकर जिसको जिंदा जलाया, उस कौशर भी का कातिल कौन है, उस मुद्दे पर भी डिबेट करने को तैयार है। 2002 के दंगे किसने करवाए और फर्जी मुठभेड़ किसके इशारों पर हो रहे थे, उस मुद्दे पर भी डिबेट करने को तैयार है। तुम्हारे साथ उस मुद्दे पर भी डिबेट करने को तैयार है कि आपके चिरंजीवी जय अमित शाह की जेब में इतने पैसे आ कहां से गए, ताकत है तो चलिए डिबेट हो जाए इस मुद्दे पर। ये लोग बार बार हमको क्रोनोलॉजी बताते हैं, आज हम क्रोनोलॉजी बताएंगे। आज जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिए हैं, वही लोग इस मुल्क को खंड खंड करने के लिए 1925 में आरएसएस का गठन किया, यही लोग सावरकर अहमदाबाद में 1935 में कहा कि धर्म के नाम पे इस राष्ट्र का बंटवारा हो, 1947 में यही लोग कहा कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, संविधान का विरोध किया, 1991-1992 में बाबरी को ध्वस्त किया, 2002 के दंगे करवाए, 2002 के दंगों में 2500 लोगों को मरवाया और फिर शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय जैसे कोई बहुत बड़ा वाघ मारा हो पूरे गुजरात में गौरव यात्रा लेकर निकले और फिर लगातार सिलसिला किया फर्जी मुठभेड़ों का। और एक तरफ दंगों की आग, फर्जी मुठभेड़े और पोटा के काले कानून के तहत मुसलमानों को लगातार टारगेट करना और फिर पर्दे के पीछे गुजरात की हजारों लाखों एकड़ जमीन अडानी और अंबानी की जेब में रख देना, यह है क्रोनोलॉजी। इसी के चलते पूरे गुजरात के अंदर गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात, स्वर्णिम गुजरात, गतिशील गुजरात, विकास में नंबर वन गुजरात का खोखला नारा दिया, जबकि गुजरात की हकीकत यह है कि आज भी गुजरात के अंदर 70 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है, 70 लाख से ज्यादा। आज भी गुजरात के अंदर फर्जी मुठभेड़ और दंगा के शिकार बने लोगों को न्याय नहीं मिला। आज भी गुजरात के अंदर 40% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, उनकी माताएं सुबह उनको 2 वक्त की रोटी खिला नहीं पाती। आज भी गुजरात के अंदर ऊना के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ टाउन में
जिन 16, 17 और 21 साल के दलितों की छाती पर गोली दागी गई थी, उनके परिवारों को भी आज तक न्याय नहीं मिला। आज पूरे गुजरात में 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल विजय रूपाणी बंद करना चाहते हैं। यदि एक सरकारी स्कूल बंद करने के चलते यदि 100 बच्चे वहां पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने के चलते कम से कम 5,00,000 बच्चे शिक्षा से, एजुकेशन से वंचित होने वाले हैं। ये है गुजरात की सच्चाई। 1,00,000 करोड़ के बजट के बावजूद 50,000 किलोमीटर लंबी नर्मदा की कैनालों का नेटवर्क नहीं बना। आज भी गुजरात के आदिवासी, जिसके खून और पसीने से गुजरात में सड़कें बनी, मॉल बने, मल्टीप्लेक्स बने, टावर बने, शॉपिंग सेंटर बने और गुजरात की वो विधानसभा का मकान बना जिसमें हम लोग बैठते हैं, आज भी लाखों आदिवासियों के सर के ऊपर, जिनका पूरा जीवन दूसरों के लिए शेल्टर खड़ा करने के लिए जाता है, उनके सर के ऊपर छत नहीं। तो गुजरात मॉडल एक छलावा है, गुजरात मॉडल इन दंगाइयों का छलावा है। और आज हम JNU में जो देखे, AMU में जो देखे, जामिया मिलिया में जो देखे, वही गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल रंगा बिल्ला के फांसीवादी दमन चक्र के दौर के अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप तमाम लोग और शाहीनबाग की बहनें, माताएं, आप तमाम बहनें माताएं और अब तक 50,00,000 से ज्यादा लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, और आप लोग जो मोदी की छाती पर चढ़कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किए हैं, उसके पूरे गुजरात की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं। साथियों, अभी दिल्ली में चुनाव हो गए, बहुत से लोगों से मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग मेरे साथ यहां तक शर्त लगाने को तैयार है, कैसा चांस है कि भाजपा की एक सीट आने वाली नहीं, एक सीट। आप तमाम लोग जो JNU में, जामिया में, शाहीनबाग में परचम को लहराए हो, संघर्ष के परचम को, इसकी तर्ज पर अहमदाबाद में भी इंसाफ पसंद लोगों की एक टीम ने शाहीनबाग खड़ा किया है, उस अहमदाबाद के शाहीनबाग की ओर से भी आपकी ओर एक पैगाम लेकर आया हूं। और पैगाम यह है कि 30 जनवरी को आप लोग जब यहां पर हाथ में तिरंगा लेकर मोर्चा निकालेंगे, तब गुजरात और अहमदाबाद का शाहीनबाग भी आपके साथ उठ खड़ा होगा। पैगाम यह है कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मानते हैं वो शाहीनबाग खड़ा करते हैं, जो मनुस्मृति में मानते हैं वो डिटेंशन सेंटर खड़ा करते हैं जर्मनी के नाजियों की तरह। लेकिन वो गाना हम सबने सुना है, जब जुल्म और सितम के कोहे गरा रूही की तरह उड़ जाएंगे। ये रूही की तरह जुल्म और सितम के कोहे गरे का उड़ना क्या, आप जामिया के लोगों से हम लोगों ने देखा है, शाहीनबाग की बहनों की ओर से देखा है। और आज पूरे देश में रंगा बिला से ज्यादा चर्चा जामिया, JNU, AMU और शाहीनबाग का हो रहा है। शाहीनबाग और आप तमाम लोगों ने एक नया इतिहास लिखा। साथियों, ज्यादा न कहते हुए पूरे गुजरात की ओर से मैं दोबारा अपना समर्थन देता हूं, पूरे भारत के छात्र नौजवानों की ओर से, पूरे दलित बहुजन जनता की ओर से अपना समर्थन देता हूं। और जब जब भी मुमकिन हुआ मैं आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा, और गुजरात में और पूरे देश में लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हो सके उतना शाहीनबाग हम लोग खड़ा करें, हो सके उतना जामिया और JNU का जज्बा पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को यहाँ पर रखता हूँ। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। हम लड़े थे, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। आवाज दो इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।
धन्यवाद।